दिस साइलेंस कॉन्फ्रेंस रहेगा, विल नाउ बी रिकॉर्डेड। जहाँ साइलेंस रहेगा तो आई विल अंडरस्टैंड कि भाई ये सब ओके है, राइट, फिर उसमें मेरा नुकसान नहीं है आप लोगों का। नहीं, नाउ वी रिपीट द काउंट सर। ओके, तो गुड है, आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। 23, 4, 6 कोड डालना है ना, बहुत सही काम करवा दिया। ठीक है, BL PWF F7 7 है, लग तो ऐसा ही रहा है। 4Y MHEPN6 ओके। तो हमें लास्ट क्लास में जो किया था वो था आपका इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, क्लाउड कोर्स कंटेंट डिस्कशन कर लिया, बेनिफिट्स हमने चेक कर लिए, सर्टिफिकेशन डिटेल्स चेक कर ली, हाउ टू क्रिएट फ्री टायर अकाउंट लिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट AWS आर्किटेक्चर। इसमें थ्री थिंग्स इंपॉर्टेंट है, रीजन, इजी लोकेशंस एंड एज लोकेशंस। तो एज लोकेशंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एंड इंट्रोडक्शन टू AWS कंसोल। ओके, तो एज लोकेशन वी विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल स्टडी क्लाउड फ्रंट। इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, तो आई विल कीप इट फॉर टाइम and availability zone we will discuss. Okay, then EC2 we will check like how to launch a Linux server and how to connect it, and then we will see how Windows server is, and then we will come on how to host a sample website on Apache server. Okay, so this is the target. When you log in to your AWS console, तो यहाँ पे आपके पास कुछ तरीके का स्क्रीन आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप लोग लॉग इन करोगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा। अब कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं कि कंसोल कैसे काम करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑन द लेफ्ट साइड आपको सर्विसेज मिल जाती है। तो इन सर्विसेज आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, जो सर्विस आपको चाहिए देखो सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। सपोज नेटवर्क रिलेटेड सर्विस है तो वो आपको नेटवर्क में मिलेगी, स्टोरेज रिलेटेड है तो स्टोरेज में मिलेगी। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड है तो आप कंप्यूटर में देख लो क्या सर्विस है। दूसरा इजी तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ वो क्या है कि मैं यहाँ पे सर्च कर लू। ठीक है, तो सर्च में जाओगे जिस सर्विस पे आपको काम करना है सर्च कर लो। ठीक है, तो इजीली आपको यहाँ से मिल जाती है। एक और तरीका होता है कि रिसेंटली यूज आपको दिखा देता है, तो रिसेंटली जो भी आपने सर्विस यूज की है वो भी आपको शो कर देगा। ठीक है, कंसोल में कुछ उन्होंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो ये आई थिंक बिल्ट इन वीडियोज हैं, नहीं ये विजार्ड उन्होंने दिए हुए हैं कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो ट्राई करके देख सकते हो, बट के लिए आई थिंक आपको नॉलेज होना चाहिए उस सर्विस के बारे में, तभी वो करोगे। अब वीडियो नहीं है ये, लर्निंग वीडियोज आपको काफी सारे मिल जाएंगे। तो अगर AWS लर्निंग वीडियोस देखोगे यहाँ पे तो AWS की डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बट आई थिंक गो विद द पॉइंट क्योंकि उतने में टाइम लगेगा देखने में, वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दीज आर प्रशांत, मींस एनी ट्रबलशूटिंग काइंड ऑफ थिंग और जस्ट जनरल? जनरल जनरल, सारे ही जनरल सॉल्यूशन। लाइक आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करके दिखा दिया, एग्जांपल है एक वेब ऐप कैसे बिल्ड करना है तो वो इलास्टिक बीन स्टॉक के थ्रू होता है, वो एग्जांपल दिखा दिया। तो ये उन्होंने बेसिक आप माइग्रेशन करना है तो कैसे माइग्रेशन करोगे, तो एक MGN सर्विस है उसके थ्रू दिखा दिया कैसे।
जनरल सॉल्यूशन, जनरल ओके मीडियम। देन यहाँ पे आपका देखो, अच्छा देखो, यहाँ पे आपके पास एक है क्लाउड शेल। क्लाउड शेल ये नया है, ठीक है? तो ये नया है। आज के नोट्स देख लेते हैं। तो क्लाउड शेल, ठीक है? इट इज लाइक कमांड लाइन। ओके, यू कैन डू द थिंग्स वाया कमांड लाइन। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे भी कमांड लाइन के थ्रू काम कर सकते, ठीक है? या फिर अंदर भी क्या होता है, आप एक AWS कमांड लाइन का सॉफ्टवेयर आता है, AWS कमांड लाइन का सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे आप उसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, इधर इन विंडोज या लिनक्स, ठीक है? तो हाउ टू कनेक्ट, बेसिकली हाउ टू कनेक्ट AWS टू क्रिएट रिसोर्सेस और वर्क इन AWS, ठीक है? तो फर्स्ट वे हो गया, सबसे इजी फर्स्ट वे हो गया आपका AWS कंसोल, ठीक है? सेकंड वे हो गया आपका क्लाउड शेल। अगर आप क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे, मैंने भी ट्राई नहीं किया, तो आप भी क्लाउड शेल पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी, राइट? और इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। AWS Cloud Shell is a browser-based shell that give you command line access to your AWS resources in the selected AWS region. AWS Cloud Shell come with pre-installed popular tools for resource management. ठीक है? And you have the same credential as you used to log in into console. So जो console, जिस ID से मैंने log in किया है, same ID का मुझको access मिल जाएगा। तो मैं भी root account से logged in हूँ, तो that means मुझे root account का access यहाँ पर मिल जाएगा। राइट? तो जो अभी लॉग इन किया था मैंने, वो रूट अकाउंट से लॉग इन। देन थर्ड वे क्या हो गया, AWS कमांड लाइन। थर्ड वे हो गया AWS कमांड लाइन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, नीड टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड देन यू कैन। ओके, काम कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज एंड लिनक्स, ठीक है? इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, बट दीज आर द थ्री वेज आप यहाँ पे कर सकते हो, कमांड लाइन के थ्रू, क्लाउड शेल के थ्रू, कंसोल के थ्रू। एक और तरीका क्या है, आप API के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? API के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो API के थ्रू कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि AWS का API दे दिया और उस API से आप वहां पे अपना एक्सेस की या सीक्रेट की रहता है, जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो आपके पास एक्सेस की या ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको क्लैरिटी थोड़ा आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करोगे कि एक्सेस की या सीक्रेट की या कोई पर्टिकुलर रोल डिफाइन कर दोगे इस API को, और उसके थ्रू जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है आपका, वो लॉग इन कर पाएगा, ठीक है? तो ये चार तरीके हो गए आपके पास कनेक्ट करने। So, प्रसन्न, देयर इज एनी मेजर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑफ थ्री लाइक AWS कंसोल, क्लाउड सर्विस एंड AWS क्लाउड लाइन, सॉरी कमांड लाइन, हाँ, और कंसोल में, सेम सेम का सेम कंसोल में काइंड ऑफ और कमांड ऑफ सेट वी कैन रन? नहीं, इसमें तो डिफरेंस है। लाइक AWS कंसोल में तो आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हो, क्लाउड शेयर आप जो आपका जो रूट का ही यूजर एक्सेस है जिससे आपने लॉगिन किया है उसका एक्सेस मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप कंसोल चला रहे हो और यहाँ पे आप ग्राफिकली चूज कर रहे हो, है ना? तो ये एक डिफरेंस है, कमांड से चलाना। और AWS कमांड है, यहाँ पे आपको एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए होगा, एक्सेस की एंड सीक्रेट। ये आपका ये वाला क्रेडेंशियल जो अभी आप यूज कर रहे हो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको एक्सेस की और सीक्रेट की चाहिए। ये एक डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा लॉगिन का फर्क है कि मतलब आपको उसमें क्रेडेंशियल क्या चाहिए ना, तो ये एक डिफरेंस है। आप देख,
है तो इसपे प्रशांत सिंह भैया, यस सर। what will be the best practice you in real time, whether it is a GUI console or a CLI console? So any technically any major differences in these two related to the executing commands and creating instances? Now command line, you can say that it is like it is like automation. If you go for the automation, na, so you will over the time use command line. So command line is more stronger, है ना? जैसे आप विंडोज में काम करते हो या लाइनेक्स में काम करते हो तो बोलते हैं कि अगर आप लाइनेक्स से काम करते हो तो वो मोर स्टेबल है, तो वो है ज्यादा कमांड लाइन आप यूज करते हो तो इट इज मोर प्रिफरेबल, राइट। बट पॉइंट इज कि आप कमांड लाइन को लर्न कर सकते हो इजीली। आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस पीडीएफ के थ्रू यू कैन डाउनलोड द यू कैन चेक ऑल द कमांड्स। देयर आर लॉट ऑफ कमांड्स, राइट। तो आप उस हर कमांड काइंड ऑफ चीट सीट कर सकते हैं। हाँ, आप हर कमांड को मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लर्न कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, आप उसको रेफर करोगे, राइट। सपोज यू नीड टू क्रिएट ए सर्वर, तो आप उसको कमांड को रेफर करोगे एंड देन यू कैन डू। बट पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू बेसिकली व्हाट इज बेसिकली राउट 53 और व्हाट इज बेसिकली EC2, देन यू कैन डू, राइट। तो हम लोगों का अप्रोच है वो क्या है कि हम लोग काम करेंगे, लर्न करेंगे सारा कंसोल के थ्रू, एंड एनी वेयर इफ यू वॉन्ट टू डू इट विद द लाइनेक्स विद द कमांड, यू कैन रेफर दैट डॉक्यूमेंट एंड यू कैन डू द थिंग्स, राइट। वो सिंपल होता है। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग सम कमांड्स यू विल बी लर्न, लाइक इट इज वेरी इजी। बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। तो कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन कमांड लाइन तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते। बट कमांड लाइन गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शन, जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हैं वो आपको कमांड लाइन के थ्रू मिल जाते हैं। एनी टाइम यू कैन रेफर दैट, ओके। सो नाउ ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं और ये बस मैं एक जगह नोट सेव कर दूँ। क्लाउड शेल में भी तो कमांड्स होते हैं ना? क्लाउड शेल सेम जो कमांड लाइन का कमांड है, जो मतलब AWS कमांड लाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके करोगे, सेम कमांड आप यहाँ पे चला सकते हो। बट इट इज एक्सेसिबल वाया ब्राउजर ओनली, ना AWS कंसोल ओनली। मतलब मैं AWS कंसोल में लॉग इन हूँ तब कर सकते, बट कमांड लाइन कैन यूज एनीवेयर। ठीक है, AWS नोट्स इज 11:20। चलो तो ना, तो सपोज मैंने रन किया वन कमांड, देखो AWS, इसका सिंटैक्स रहता है AWS, देन जो सर्विस आप यूज कर रहे हो एंड देन उसका कमांड। तो ls अगर आप लाइनेक्स यू नो तो लाइनेक्स वाला बेसिक कमांड चलता है ls फॉर लिस्ट। मेरे पास दो बकेट है, तो इफ यू कैन सी आई कैन सी माय टू बकेट्स, राइट। विच रीजन? ओरेगन रीजन, ओके। सो अब आते हैं रीजन पे, आर्किटेक्चर। बकेट्स मींस इट्स अ सब्सक्रिप्शन और व्हाट? नहीं, बकेट इज हम उसको थोड़ा आगे लेटर करेंगे, बट बकेट इज सम स्टोरेज। आपने एक बकेट बना दिया, लाइक मैंने एक बकेट बना दिया क्लाउड लर्निंग, एंड आई कैन स्टोर द फाइल्स हियर, राइट। तो आपका कोई भी फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बकेट हो गया, फोल्डर हो गया, तो आप अपलोड कर सकते। ये बकेट कहाँ पे बना है? ये बकेट बना है ओरेगन में। नाउ सबसे पहले जब आप लॉग इन करते हो तो ऑन द राइट हैंड साइड, हम AWS कंसोल की बात कर रहे थे, तो AWS कंसोल पे आपके अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। इफ यू वांट टू चेक योर बिलिंग, तो यू कैन गो टू माय बिलिंग डैशबोर्ड, ठीक है। सो यू कैन चेक आपका बिलिंग कितना आ रहा है,
ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखो अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा जो बिलिंग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली $2 का मुझे कास्टिंग में दिखा रहा है, राइट। तो ये बिलिंग आ गया, तो यहाँ पे आपको जो आपका नेम आएगा आपके अकाउंट का उसके थ्रू आपको दिखा देगा। देन माई सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, तो मतलब आपके जो लिमिटेशंस हैं या जो आपके डिटेल्स हैं वो अकाउंट रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको वो शो कर देगा। तो ये अकाउंट रिलेटेड है, ये आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो है, आपके सर्विस कोटा मतलब आपकी कुछ लिमिटेशन है आपके अकाउंट में तो वो सर्विस लिमिटेशंस आपको यहाँ शो कर देगा। देन बिलिंग डैशबोर्ड, और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है जो आप यूज करते हो AWS को कनेक्ट करने के। तो विल डिस्कस इन लेटर इन IAM सर्विस। और फिर उसके बाद आएगा आपका रीजन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब सबसे पहले जब भी आप लॉग इन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्विच टू योर नियरेस्ट रीजन, या आपको रीजन चेक करना है कि किस रीजन में आपके रिसोर्सेज हैं। तो ये इस तरीके से है कि AWS कहाँ कहाँ पे अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी AWS के जो डेटा सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये रीजन्स हैं जहाँ पे वो डेटा सेंटर्स अभी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 23-24 हो गया एंड अराउंड 27 है। एग्जैक्ट ये अकाउंट चेंज होता रहता है, अगर कभी भी चेक करना हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो AWS, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कि क्या कितने रीजंस हैं यहाँ के अभी, ठीक है। तो अदरवाइज आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको स्विच करना है, राइट। तो अगर अभी देखोगे तो देर आर कितने रीजंस दिखा रहा है ये, अराउंड 23-24 है। आपको काउंट मिल जाएगा, इफ यू सी द डॉक्यूमेंटेशन आपको काउंट मिल जाएगा। ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है। तो इस रीजन में ये बेसिकली सर्विसेज अपने प्रोवाइड कर रहा है। अब ये रीजन में आपके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप यहाँ से रीजन चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना नियरेस्ट रीजन। अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में आपका जो डेटा सेंटर है तो अभी इस रीजन के अंदर इनके डेटा सेंटर्स, राइट। तो रीजन क्या हो गया, वेयर AWS हैज देयर डेटा सेंटर्स, ठीक है। सो हैज देयर डेटा सेंटर एंड आल्सो दे इंश्योर दैट एटलीस्ट टू डेटा सेंटर और टू अवेलेबिलिटी जोन, राइट, टू अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल टू डेटा सेंटर्स, ठीक है। तो टू अवेलेबिलिटी जोन एटलीस्ट अवेलेबल होंगे आपका हर रीजन में, ठीक है। तो जितने भी रीजन मिलेंगे हर इसमें आपको दो अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगे। रीजन बीइंग कि अगर एक डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आया तो वो दूसरा डेटा सेंटर से आपकी सर्विस चलती रहेगी। कंडीशन क्या है, आपके पास वहां पे रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स है वहां पे तो आपकी सर्विसेज दूसरे डेटा सेंटर से चलती रहेगी। तो टू प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी दे इंश्योर दैट एटलीस्ट डेटा सेंटर्स टू अवेलेबिलिटी जोन इन वन रीजन, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन क्लियर हुआ कि अवेलेबिलिटी जोन में क्या, जोन आपका इज इक्वल टू डेटा सेंटर, ठीक है, एंड रीजन यहाँ पे आपके डेटा सेंटर्स हैं। तो आप यहाँ से रीजन चूज कर सकते हो, अराउंड इनका यूरोप के अंदर 6 है, एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा है 7 है, ठीक है। US में जाओगे तो 4 है, अफ्रीका में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कनाडा में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका में भी अभी आ गया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ।
तो हमने समझा यहाँ पे आप AWS में कैसे लॉगिन कर रहे हो और किस तरीके से काम कर रहे हो। नाउ आज देखते हैं कैसे हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले एक विंडोज सर्वर क्रिएट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लिनक्स सर्वर क्रिएट करेंगे। तो मैं सर्विसेज में गया और सर्विसेज में जाने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, EC2। मुझे किस पे काम करना है, सर्वर्स पे काम करना है। सर्वर्स के लिए कौन सी सर्विस है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट EC2। EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ओके, यहाँ पे मैंने उसको ओपन किया। अभी जो मेरा रीजन सिलेक्ट है ओरेगन है। जब आप काम कर रहे हो तो आप मुंबई चूज कर सकते हो। द ओनली थिंग डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आपका लोकेशन नियर बाई है आपके, तो जो आपका सर्वर क्रिएट होगा वो आपके नियर बाई लोकेशन में क्रिएट होगा। एंड जब उस पर डेटा ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तो मेरे पास तो डेटा कम है, बट अगर डेटा ज्यादा होता है तो उस केस में आपकी लेटेंसी, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है, उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, उसमें डिफरेंस आता है तो वहां आपका सर्वर का रिस्पांस हो सकता है स्लो हो जाए अगर वो आपकी फार लोकेशन पर। तो हम इसको सजेस्ट करते हैं कि हम इसको नियरेस्ट लोकेशन पे रखें। तो अभी अगर मैं EC2 कंसोल पे आता हूँ, EC2 डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंसोल आ रहा है, राइट। तो ये मुझे मेरे सर्वर्स की कंडीशन दिखा देगा कि मेरे पास टोटल कितने सर्वर्स हैं अभी। ठीक है, अभी अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास इंस्टांस रनिंग जो है वो 1 है, और इलास्टिक आईपी होता है आपका परमानेंट आईपी, तो वो मेरे पास 0 है। की पेयर 9 है, प्लेसमेंट ग्रुप 0 है, स्नैपशॉट 2 है। तो ये सब कुछ सारी डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं। तो मैं एक डैशबोर्ड के थ्रू अपने ओवरऑल लुक कर सकता हूँ कि भाई मेरी कंडीशन क्या चल रही है फॉर दिस रीजन। मुझे ओरेगन रीजन में अपने सर्वर्स की कंडीशन पता लग गई। ठीक है, टोटल इंस्टांस मेरी 1 है, राइट, क्लियर हो गया। देन इसके बाद आप आओगे, अगर आप डाउन में आते हो तो आपको मिल जाती है सर्विस हेल्थ। ठीक है, तो मान लो कभी आपका कुछ इश्यू आ रहा है तो यू कैन गो और आप चेक कर सकते हो कि मेरा सर्विस स्टेटस क्या है। ठीक है, वहां से आपको पता लग जाएगा कि मेरा सर्विस स्टेटस क्या है। प्रशांत, एक डाउट था रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी जोन का। जैसे हम कोई इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो एक सिंगल रीजन के अंदर यू आर सेइंग कि हमें दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स जो है वो सिंगल रीजन में करने चाहिए या फिर अलग अलग रीजन में करने चाहिए? बिकॉज हाँ सर्वर, सॉरी सर्वर प्लेसमेंट कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, सर्वर प्लेसमेंट में हम बात करेंगे। देखो अभी अभी हम हाई अवेलेबिलिटी को टच नहीं किया ना, तो जब एक अच्छा, बार की उसको करते हैं ना, बट नॉर्मली क्या है कि आप इसको अगर आपको DR पर्पस से चाहिए तो आप दो डिफरेंट रीजन के अंदर रख दो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रीजन में गैप ज्यादा है ना, तो उसमें आपको आप अगर DR पर्पस से देख रहे हो तो आप दूसरे रीजन में रख सकते हो, और अगर आप हाई अवेलेबिलिटी के पर्पज से देख रहे हो तो आप एक ही रीजन में रख सकते हो, राइट। तो एक रीजन में भी इतना डिफरेंस होता है, काफी फार होते हैं, और एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से बिल्कुल अलग है, राइट। तो अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखते हो तो परफॉर्मेंस वाइज आपको एक ही रीजन के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप सर्वर्स को एक ही रीजन में रखते हो। तो नॉर्मली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम एक ही रीजन के अंदर रिसोर्सेस को रखेंगे, बट फॉर हाई अवेलेबिलिटी हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं तो आपका दूसरे हम उसको रखते हैं, तो DR आपको पता है क्रिटिकल, हम दूसरा रीजन, ठीक है। बेसिकली हम एक सिंगल रीजन में प्रेफर करते हैं अंटिल अनलेस DR वाला केस ना हो। बट जैसे ये तो पर्सनल उसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूं तो DR तो रिक्वायरमेंट होता ही है, राइट। तब हम मतलब उसमें बाय डिफॉल्ट हमें
आई मीन अगर हमें हाई अवेलेबिलिटी भी चाहिए एंड डी आर ऑल्सो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब क्या एक बार अभी हाई अवेलेबिलिटी पढ़ने दो, जब हम वहां अच्छा, पे करेंगे सॉरी कोई दिक्कत नहीं। तो प्रशांत पवन देसाई, Prashant, is there any user preferences we can set that particular user can use or create by default resources in particular region? Like if I create resources, then I should be able to by default create in Asia Pacific Mumbai data center. Can I set that kind of preference? Kar sakte. IAM padhenge aage. Okay. इसके बाद अगर आपको मान लो EC2 सर्विस का स्टेटस देखना है ना कि मेरी सर्विस डाउन नहीं है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, डैशबोर्ड से ही पता लग जाएगा कि भाई मेरी सर्विसेज अप है या डाउन। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, तो ठीक है, यहाँ से हमें डैशबोर्ड हो गया। आप देखते हैं सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? तो सर्वर पर आते हैं। EC2 डैशबोर्ड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टांसेस। तो इंस्टांसेस इज इक्वल टू सर्वर है, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टांसेस। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, instances is equal to virtual machine। मैं instances पर आया और यहाँ पे मैं, मेरे पास ऑप्शन लॉन्च इंस्टांस, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया मैंने। अब मैं यहाँ पे इंस्टांस देख सकता हूँ मेरे पास कौन कौन से इंस्टांसेस अवेलेबल है, राइट? तो ये सारे OS हैं, जो OS आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आई विल प्रेफर कि आप अमेजन लिनक्स यूज करो, उसके अंदर आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल गए प्री इंस्टॉल्ड, तो आप देखोगे यहाँ पे पाइथन और बहुत सारे CLI कमांड लाइन, AWS कमांड लाइन, पाइथन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ OS चूज करना है और उस OS पर आप इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन मैकिंटोश है, देन रेड हैट है, देन सूजे है, राइट, उबंटू है, कोई भी फ्लेवर आपको लिनक्स का चाहिए ऑलमोस्ट सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देन आप जा सकते हो विंडोज का चाहिए तो आपको डेबियन भी अभी आ गया है। ठीक है, विंडोज चाहिए तो विंडोज भी मिल जाएगा, विंडोज आपको 2019 अभी लेटेस्ट चल रहा है तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो आपको वो भी मिल जाता है। 2019 के साथ SQL सर्वर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और आप एडिशन मतलब चेक कर सकते हो, जो जो बेस एडिशन है वो आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया क्विक स्टार्ट, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया और आप अपना सर्वर चूज कर सकते हो। देन उसके बाद आता है MyAMI, MyAMI आपका कस्टमाइज AMI है जो आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका ठीक है, एक है मार्केट प्लेस। तो ये मार्केट प्लेस भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मार्केट प्लेस मतलब आपने कभी देखा होगा प्ले स्टोर होता है ना एंड्रॉइड पर, तो ये सेम चीज है, ये AWS का प्ले स्टोर है। यहाँ पे जाओ और आपको सपोज करो VPN सर्वर चाहिए, तो यहाँ पे टाइप कर दो VPN सर्वर, तो आपको VPN सर्वर मिल जाएगा। उसको सिलेक्ट करो, जो उसका प्राइसिंग होगा, प्राइसिंग हमने डिस्कस किया था पे पर यूज पर है, तो अगर उसका पर आर बेसिस जो भी प्राइसिंग है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे VPN सर्वर चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई कैन यूज VPN। तो मैं एक सर्वर लॉन्च करूंगा, उसमें ऑलरेडी VPN इंस्टॉल्ड हो गया। तो इसका प्राइसिंग दिखा दिया, कितना प्राइसिंग लग रहा है, एवरेज इंस्टांस का प्राइस इतना है। तो अगर आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज करके कर सकते। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पे
क्विक स्टार्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, विंडोज सर्वर चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे विंडोज सर्वर को पिक कर लूंगा, तो इसमें गए, अब इसमें एक चीज और है, आप फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि आपका सर्वर फ्री टायर एलिजिबल होना चाहिए, तो ये विंडोज फ्री टायर एलिजिबल है, राइट। तो मैं इसको यूज करूंगा, मैं सिंपल ये वाली विंडोज को यूज कर रहा हूँ। अभी 2020 भी आ गया है तो मैं विंडोज सर्वर 22 ट्राई करता हूँ आज, ठीक है। तो मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया, अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है मेरे पास कि क्या क्या सर्वर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या सर्वर टाइप अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको मिल जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सर्वर टाइप अवेलेबल है। यहाँ पे जो डिफरेंट सर्वर टाइप अवेलेबल है उसमें से आप अपने सर्वर्स के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया यहाँ पे आपको कि सपोज करो आपको 8 सीपीयू चाहिए और 16 GB रैम चाहिए, है ना। अगर आपको सपोज करो ऐसे चाहिए तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चूज कर सकते हो। 2020 हमने किया था, 20 कहाँ गया, ठीक है। तो मेरे पास t2.micro सर्वर अवेलेबल है जिसमें ये फ्री टायर एलिजिबल है, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करेंगे फ्री टायर यूज करेंगे, ध्यान रखना जो चीजें भी जो भी सर्विस यूज कर रहे हो उसके सर्विसेज ध्यान से रखना, क्योंकि अगर आपने कोई और सर्वर यूज किया तो आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AWS आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो आपको कहता है पेड सर्विस भी आप यूज कर लो, लेकिन अगर आपने पेड सर्विस यूज करी तो आपका बिल लग जाएगा। तो जो चीज ध्यान से दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से रखना कि फ्री टायर एलिजिबल ही यूज करना है यहाँ, ठीक है। तो ये 1 CPU है और यहाँ पे 1 मेमोरी रैम मिलेगी, ठीक है, 1 GB रैम मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ पे दूसरी कॉन्फ़िगरेशन चूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप है वो आपको मिल जाए। टी कैटेगरी बेसिकली जनरल बेसिकली सर्वर आता है। अगर टी कैटेगरी की बात करोगे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो टी कैटेगरी के जो सर्वर्स होते हैं एंड एम कैटेगरी के जो सर्वर्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं जनरल पर्पस, ठीक है। अगर आपका रेगुलर यूज है तो आप जनरल पर्पस यूज कर सकते हो, ठीक है। सी कैटेगरी का जो सर्वर है वो आपको मिलेगा कंप्यूट बेस्ड, यहाँ पे सीपीयू ज्यादा होंगे, वेयर सीपीयू फोकस ज्यादा होगा, ठीक है, वेयर सीपीयू फोकस इज मोर, ठीक है। एक आर कैटेगरी होती है, ये आपका मेमोरी बेस्ड होता है, वेयर फोकस इज मोर ऑन मेमोरी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेमोरी ज्यादा होगी सीपीयू कम होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे जाओगे तो सीपीयू ज्यादा होंगे और मेमोरी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। देन आपके पास होगा स्टोरेज बेस्ड, ठीक है, एक होती है स्टोरेज बेस्ड एंड एक और होती है आपकी जो ग्राफिकली बेस्ड होती है, इसका नाम मैं आपको बता दूं। ये चार तरीके की स्टोरेज आती, ये पांच तरीके के टाइप है यहाँ पे, एक जनरल पर्पज है, एक कंप्यूट बेस्ड है, एक मेमोरी बेस्ड है, एक स्टोरेज बेस्ड है और एक और है जिसका ये जीपीयू बेस्ड, जिसका ग्राफिकली यूज के लिए ज्यादा यूज होता है, हाई कॉन्फ़िगरेशन हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपके पास 8 प्रोसेसर का मान लो चाहिए तो आप t2.2xlarge यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 8 प्रोसेसर 32 GB रैम, ठीक है। इसके बाद अगर तुम आगे आते हो तो जो मैंने बताया आपको कंप्यूट बेस, इसमें देखोगे, देखो 36 सीपीयू है एंड 60 GB रैम है। अगर तुम कंपेयर करते हो यहाँ पे तुमको 8 में ही 32 मिल रही थी और यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट डबल मिल रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंप्यूट बेस्ड है, यहाँ पे मोर फोकस ऑन कंप्यूट पावर, तो यहाँ पे सीपीयू ज्यादा है। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप ये यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है,
और काफी हाई एंड के सर्वर मिल जाते हैं। आप देखो यहाँ पर 96 सीपीयू तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली सर्वर देखते पहले तो इतनी हाई एंड सर्वर नहीं मिलते थे, लेकिन ये काफी हाई एंड सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है और काफी डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी अवेलेबल है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप वो यूज कर सकते हो। जो आई कैटेगरी के सर्वर्स होते हैं बेसिकली ये स्टोरेज फोकस्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखो 64 सीपीयू 256 GB रैम, ठीक है। पहले हम लोग इतना हाई एंड सर्वर्स नहीं देखते थे, बट अभी अवेलेबल है, आपकी जरूरत है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। जो भी इसका प्राइसिंग होगा वो आपको लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो चूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सर्वर कितने बनाने? एक सर्वर बनाना, ठीक है। एक हर सर्वर को एक नेटवर्क चाहिए होता है, तो अभी क्या है, हर कंपनी अपना एक प्रिफर करती है नेटवर्क, डेडिकेटेड नेटवर्क। बट हमारे पास अभी कोई डेडिकेटेड नेटवर्क तो है नहीं हमारी कंपनी का, राइट, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल फर्स्ट बेसिक है। तो हम अभी विदाउट डेडिकेटेड नेटवर्क चल रहे हैं, दैट मीन्स हम AWS का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो AWS ने क्या किया है कि रादर देन आप पहले क्रिएट करो, आपको एक नेटवर्क दे दिया है, तो वो डिफॉल्ट नेटवर्क है, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। आगे हम देखेंगे जब VPC पढ़ेंगे कि भाई VPC में हम अपना कस्टमाइज नेटवर्क भी बना सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते, हम लोग अपना नेटवर्क बनाएंगे। और हर कंपनी यही फॉलो करती है, अपना एक सेपरेट VPC बनाती है जिसमें सेपरेट नेटवर्क रेंज होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका पहले के डेटा सेंटर्स होते थे, पहले अपने कंपनी अपना डेटा सेंटर रखती थी, उस कंपनी में डेटा सेंटर सेटअप करते हुए आपको एक नेटवर्क रेंज चाहिए होती थी, तभी आप सर्वर सेट कर सकते। सेम वे में आप अपना एक नया डेटा सेंटर बनाओगे, ओ सॉरी नया VPC बनाओगे और उसके अंदर अपने सर्वर क्रिएट करोगे। जब हम VPC करेंगे तो वो ये चीज देखेंगे, बट अभी सर्वर पे फोकस करते हैं, सर्वर कैसे होगा। देन अवेलेबिलिटी जोन, तो यहाँ पे कितने डेटा सेंटर्स हैं, कैन एनीवन सजेस्ट अभी कितने डेटा सेंटर्स हो गए, कितने अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे मेरे पास? अभी कितने डेटा सेंटर्स हैं मेरे पास इस ओरेगन रीजन में? मैंने नेटवर्क चूज किया डिफॉल्ट और मेरे पास ये अवेलेबिलिटी जोन शो कर रहा है, कितने हैं? चार फोर फोर, राइट। तो आप अपना सर्वर जो क्रिएट कर सकते हो किसी भी एक डेटा सेंटर या किसी भी एक अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो चारों में से मैं कोई भी एक चूज कर सकता हूँ, मेरा सर्वर एक अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट होगा, ठीक है। दो का पार्ट नहीं होगा, एक का ही होगा। अब मैंने ये 2A चूज कर लिया, तो अभी मेरा सर्वर कौन से अवेलेबिलिटी जोन में लॉन्च होगा? US वेस्ट 2A में, क्लियर है। यानी जो मेरा सर्वर बनेगा वो ऑरेगन रीजन में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, और किस डेटा सेंटर में बन रहा है? US वेस्ट 2A में बन रहा है, क्लियर है। यस देन उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक IP, तो आपको सर्वर तो आपने बना दिया, आप सर्वर को कनेक्ट भी करना होगा, तो सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक पब्लिक IP असाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक IP असाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने इनेबल कर दिया, दैट बाय डिफॉल्ट वैसे ये इनेबल है, ठीक है। तो मुझे एक पब्लिक IP मिल जाएगा, उसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। देन प्लेसमेंट ग्रुप बाद में पढ़ेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस आपके हम डिफॉल्ट ले सकते हैं। शटडाउन बिहेवियर क्या होता है? शटडाउन बिहेवियर मतलब आपने स्टॉप करना है सर्वर को जब आप शटडाउन करोगे या टर्मिनेट हो जाए, तो टर्मिनेट मतलब सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऐसा रखा है, लेकिन शटडाउन बिहेवियर आपका स्टॉप करोगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको स्टॉप रखना। इफ यू वांट हाइबरनेशन, हाइबरनेट भी वो सपोर्ट करता है, तो हाइबरनेट में जो भी आपकी प्रोसेस ओपन है उस टाइम पर वो रैम के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और जब जो भी एप्लीकेशंस आपकी उस टाइम पे ओपन थी, जब आप दोबारा सर्वर ओपन करोगे तो वो आपको ओपन ही मिलेंगी। ये हाइबरनेट का फीचर है, ये आप यूज कर सकते। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को मैं इनेबल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई मेरे सर्वर को गलती से आके इंस्टांस चूज किया और टर्मिनेट कर दिया, तो वो सर्वर मेरा टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि मुझे थोड़ा वेट कराए, मुझे ये ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से डिसेबल करना पड़ेगा, तभी मैं सर्वर को टर्मिनेट कर पाऊंगा।
अभी के लिए फिलहाल मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, देन हम देखेंगे कि आगे इसको कैसे, जब सर्वर डिलीट करेंगे तो क्या इशू आता है। ठीक है जी, तो उसके बाद है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग अभी क्या करता है, AWS आपको एक और फीचर प्रोवाइड करता है कि जो भी सर्वर आप बिल्ड करोगे वो 5 मिनट, तो यहाँ पे AWS क्या करता है, मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहा है आपको, बेसिक मॉनिटरिंग। ठीक है, एक है बेसिक, एक है डिटेल। बेसिक में क्या कर रहा है वो, बेसिक में आपको एवरी 5 मिनट पे वो सर्वर को कनेक्ट पिंग करके चेक करता है इंटरनली। ठीक है, इसमें 5 मिनट पे चेक करता है कि मेरा सर्वर अप है या नहीं है, राइट। अगर वो आपका सर्वर अप नहीं है तो वो आपको एक हेल्थ चेक दिखा देगा, मॉनिटरिंग की रिपोर्ट दिखाएगा, उसमें दिखा देगा कि ये फेल हो रहा है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि मेरा सर्वर इतने टाइम पर अवेलेबल नहीं था, तो ये एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है और उसके थ्रू आप देख सकते हो कि मेरा सर्वर कब कब अप था, कब कब डाउन था, every 5 मिनट पे ये चेक करता है। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो ये every 1 मिनट पे चेक करेगा, लेकिन उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगेगा। ठीक है जी, देन टेनेंसी, टेनेंसी पढ़ेंगे और डिटेल में। शेयर्ड और डिटेल दो तरीके की टेनेंसी होती है। शेयर्ड में क्या हो रहा है, ये रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है, मतलब इसके नीचे का अंडरलाइन हाइपरवाइजर। मैंने आपको बताया था शायद इंट्रोडक्शन में, ये जो सर्वर्स बनते हैं, ये वर्चुअल मशीन बनती है, एक्चुअली इसके नीचे एक हाइपरवाइजर लगा हुआ है। एक उन डेटा सेंटर में, जो AWS का डेटा सेंटर है, वहां पे भी तो फिजिकल बॉक्स है। ठीक है, उस फिजिकल बॉक्स पे ही तो ये मशीन बनती है, जिसको बोलते हैं हम हाइपरवाइजर। ठीक है, या अंडरलाइन हार्डवेयर। ठीक है, और जो आपकी VM बन रही है, जो अभी VM बन रही है, वो इसके ऊपर बन रही है, राइट। यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सपोज करो आपके पास 200 CPU का है एंड 4000 GB रैम लगी हुई है। ठीक है, इस बॉक्स में, तो ये क्या करते हैं, शेयर्ड में ये इसको शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये शेयर्ड बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, शेयर्ड बेसिस पे कैसे काम कर रहा है, कि अगर इसको 8 CPU चाहिए और इसको मान लो 16 CPU चाहिए। ठीक है, तो हमेशा तो ऐसा नहीं है कि इसको सीपीयू 16 CPU का यूटिलाइजेशन रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो सपोज करो अभी इसके 8 ही यूज में, उसने अपने पूल में से 8 CPU यहाँ पे दे दिए। ठीक है, मान लो उसको जरूरत पड़ गई और 4 CPU की, उसकी जो एक्ट, क्योंकि हमने इसको असाइन तो 16 किए हुए, तो ये आपको और वहां पे अपने आप पूल से 4 फ्री करके 4 4 और दे देगा यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करो अभी इसको 8 CPU की जरूरत थी, तो सिर्फ 8 ही यूज हो रहे हैं, बाकी यूज नहीं हो रहे। जो 8 बचे हुए हैं इसके, वो ये किसी और को अलोकेट कर देगा। सपोज करो ये 8 यहाँ पे अलोकेट हो, ठीक है, अगर इसका यूटिलाइजेशन बढ़ा तो, और यहाँ पे मान लो यूटिलाइजेशन कम हो गया था, तो 4 यहाँ से निकाला, 4 यहाँ पे, ऐसे करके ये आपस में CPU और RAM को शेयर करते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ये कम CPU एंड मेमोरी में ज्यादा सर्वर चला पाते। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर टेनेंसी, और ये शेयर टेनेंसी के थ्रू ये ज्यादा सर्वर्स बेसिकली चला पाते हैं, तो कॉस्टिंग इनकी कम हो जाती है, राइट। लेकिन अगर डेडिकेटेड आपने ले ली, तो डेडिकेटेड में अगर आपको 16 CPU एलोकेट हो गए, तो ये 200 में से 16 निकल गए यहाँ पे, अब बाकी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो 16 CPU है, ये बाकियों को यूज नहीं होगा, चाहे ये यूज करे या ना करे, बट ये 16 CPU अगर इसको अलोकेट है तो वो इसी को अलोकेट है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, वो इसी को डेडिकेटेड, तो अगर आप डेडिकेटेड लेते हो तो डेडिकेटेड की कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है, राइट, बट उसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो थोड़ा बेटर होगी। तो शेयर्ड और उसका कंसेप्ट समझ में आया, डेडिकेटेड का। हाँ ठीक है, तो आगे इसको चेंज करते हैं, और इसके बाद आपका एक नेटवर्क कार्ड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, एक सर्वर चूज किया, मैंने डिफॉल्ट नेटवर्क यूज किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको बोला कि शेयर टेनेंसी पे यूज कर लो, अगर आपको डेडिकेटेड करना है तो डेडिकेटेड चूज करो। ठीक है, तो फिलहाल हम शेयर करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट स्टोरेज, तो हमें कितनी डिस्क लगानी है, तो अभी ये मेरी रूट डिस्क है।
मैं नहीं, मेरा एक सर्वर, एक डिस्क लगी है सी ड्राइव। अगर ये विंडोज सर्वर है तो मेरे यहाँ पे क्या लगी है, सी ड्राइव। इस पे कितना लगा, 30 GB, ठीक है, और 30 GB स्टोरेज मुझे इसको मिल गई। मुझे एक और डिस्क ऐड करनी है तो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू वॉल्यूम। तो अभी कितनी डिस्क हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दे सकता हूँ सपोज 20 GB कर दिया, तो दो डिस्क आ गई मेरी, राइट। डिटेल्स में ऑप्शन देखेंगे और सर्वर बहुत बनाएंगे अभी। तो अब इस सर्वर को कुछ नेम देना है ना। अगर मेरे पास काफी सारे सर्वर्स हो जाएंगे तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि उसका क्या नाम है, अदरवाइज मैं कैसे उसको रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नेम दे देता हूँ। तो मैंने बोला विंडोज सर्वर 001, ठीक है। अब मैं ऐसे सीरीज चला दूंगा, जितने भी सर्वर्स होंगे मैं अपने विंडोज सर्वर को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ये क्या है, ये टैग है, ये टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मुझे बैकअप लेना है, तो मैं एक बैकअप का टैग ऐड कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं इसका बोल देता हूँ बैकअप यस। तो जो मेरा बैकअप सॉफ्टवेयर होगा वो चेक करेगा कि ये मेरा बैकअप का वैल्यू क्या है। वो बैकअप की वैल्यू देखी, उसने यस है, तो क्या कहेगा ठीक है मैं इसका बैकअप की बैकअप ले लेता हूँ। अगर इसकी वैल्यू नो हो गई तो बैकअप स्किप कर देगा। इस तरीके से मैं अपना बैकअप को ज्यादा बेटर मेंटेन कर सकता हूँ। तो एक छोटी सी चीज है ये टैग, लेकिन आपको काफी यूजफुल रहती है। ये की पेयर वैल्यू पे काम करती है, मतलब ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। इसके साथ में आप और भी इंफॉर्मेशन यूजफुल ऐड कर सकते हो। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा कि इसका टेक्निकल ओनर कौन है। अच्छा ये है, कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, ये है। अब मान लो कभी सर्वर में इश्यू आ गया, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप एक अनदर लेयर हो गई यहाँ पे ऐड होने की। अब सिक्योरिटी ग्रुप देखो, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, यहाँ पे आपने सर्वर बनाया वेब सर्वर 001, ठीक है। और ये आप एंड यूजर हो, ये आप एंड यूजर हो, ठीक है जी। आपने बाहर से इसको कनेक्ट करना है, अभी आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर काफी सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। HTTP पोर्ट होता है, SMTP पोर्ट होता है, ICMP पोर्ट होता है। सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट तो ओपन होते हैं। अभी सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट ओपन होते हैं तो क्या होगा, हैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, AWS ने क्या किया, AWS ने एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ ब्लॉक है, ठीक है, आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपको चाहिए उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा और इसमें मुझे, क्योंकि ये मेरा विंडोज सर्वर है, तो विंडोज सर्वर में क्या चलता है, RDP कनेक्ट करने के लिए। विंडोज सर्वर में RDP चल रहा है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा सिक्योरिटी ग्रुप में आप RDP पोर्ट को अलाउ करो। अगर आपने RDP अलाउ है तब तो मैं इसको आगे भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा, ठीक है। तब तो मैं आगे भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। तो देखिए यहाँ पे RDP है, हाँ है। अब यहाँ पे RDP है तो वो RDP को भेज देगा। वो देखेगा SSH है, नहीं है, तो आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो रिक्वेस्ट को यहीं ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से मेरे सर्वर पे अनवांटेड कनेक्शन ब्लॉक हो गया। तो ये क्या काम कर रहा है, एज ए फायरवॉल काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने का सारे कंसर्न आ गए, स्टोरेज भी आप कवर कर रहे हो, सर्वर भी कवर कर रहे हो और सिक्योरिटी भी कवर कर रहे हो, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे कवर कर पा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा इसको, तो ये आगे ट्रैफिक नहीं भेजेगा। अब मैं सर्वर को कनेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिक्योरिटी ग्रुप मुझे चाहिए होता है और उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं काम करूंगा, ठीक है। उस सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, RDP मैंने पोर्ट को अलाउ किया और मैंने इसको बोला विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर, ठीक है। और
विंडोज सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, रिव्यू एंड लॉन्च। ठीक है जी, अब मेरा सर्वर हो गया रेडी। अब मैंने देखिए सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन t2.micro है, 1 CPU है, 1 GB रैम है, सिक्योरिटी ग्रुप है RDP। सर्वर मेरा एक सर्वर लॉन्च हो रहा है, ठीक है, बाकी डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं। स्टोरेज मेरे पास 2 डिस्क है और टैग मेरे पास ये टैग लगे हुए, मैंने लॉन्च कर दिया सर। ठीक है, सर्वर को लॉन्च करने के बाद मैं इसको इजीली यहां से लॉन्च कर सकता हूं। अब लॉन्च करते हुए भी एक और कंडीशन है, क्या है, एक की पेयर क्रिएट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे एक की पेयर क्रिएट कर दिया। ठीक है, इस की पेयर को क्या करेंगे, इस की पेयर में क्या है, आपका पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने बोला विंडोज सर्वर 1110। ठीक है जी, तो ये नाम कुछ भी दे सकते हो, तो इसमें बेसिकली आपका पासवर्ड है। ठीक है, तो इसको मुझे की पेयर को डाउनलोड करके रखना है। इस की पेयर में आपको कनेक्ट करने के लिए जब सर्वर को कनेक्ट करोगे इस की पेयर की जरूरत पड़ेगी। इतना किया और उसके बाद लॉन्च किया। अगर ऐसे फर्स्ट टाइम आपको कुछ ज्यादा लगा हो तो ये धीरे धीरे जब आप सर्वर्स कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको इजी हो जाएगा नेक्स्ट 1 or 2 times। तो मुझे बता देना अगर किसी को डिफिकल्टी फील हो रही हो तो मुझे बता देना। क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाता है, तो शायद कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता लगा कि टफ हो। जो चीज डाउट आ रहा हो एक दो बार बनाओगे सर्वर को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो विंडोज सर्वर मेरा रनिंग आ गया, लेकिन इसमें आपके पास एक स्टेटस चेक का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो स्टेटस चेक के बारे में भी बात करेंगे, बट आज नहीं। ठीक है, स्टेटस चेक में लेकिन एक चीज देखनी है, 2x2 pass होना चाहिए, 2x2 pass होना चाहिए। एक होता है इसमें इंस्टांस स्टेटस चेक, एक होता है सिस्टम स्टेटस चेक। ये दो चेक होते हैं, ये दोनों पास होने चाहिए। अगर ये दोनों पास नहीं होंगे तो आपका सर्वर कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम स्टेटस राइट, तो अगर ये दोनों चेक पास नहीं होंगे तो आपका सर्वर कनेक्ट नहीं होगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होने तो रेडी। अब आप इसको देखो डिटेल्स अगर आप चेक करोगे तो हर एक सर्वर का एक यूनिक इंस्टांस आईडी है, सर्वर का एक यूनिक इंस्टांस आईडी है। अगर मैंने कोई सर्वर बनाया है तो मेरे पास उसका क्या है, यूनिक इंस्टांस आईडी, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये एक यूनिक नंबर रहेगा हर सर्वर का, बट इसको याद रखना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं टैग यूज कर लेते हैं। तो टैग में जो हमने नाम दिया था वो मुझे याद है, विंडोज सर्वर 001। ये इजी हो गया मेरे लिए राइट, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अब इसके बाद देखो इसका एक पब्लिक आईपी मिला और एक प्राइवेट आईपी मिला। ठीक है, तो ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है, पब्लिक जिससे हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। और सर्वर का स्टेटस मेरा हो गया रनिंग। ठीक है, मैं पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूँ और इस सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये विंडोज मशीन है तो मैं यहाँ पे RDP यूज कर सकता हूँ। तो RDP यूज कमांड होती है, यहाँ पे टाइप कर लो RDP विंडोज में, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो RDP खोलोगे, अब यहाँ पे आप सर्वर का आईपी डाल दोगे। ठीक है, जो भी सर्वर का आईपी है, या आप सर्वर का DNS नेम भी यूज कर सकते हो, दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो आईपी या नेम। ठीक है, तो मैं अभी आईपी से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट किया। अब इसने क्या बोला, इसका जो लॉगिन आईडी है वो प्रशांत है, बट वो तो सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मोर चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ, यूज ए डिफरेंट अकाउंट, और जो मेरा विंडोज का डिफॉल्ट यूजर होता है, विंडोज का डिफॉल्ट यूजर कौन सा होता है, एनी आइडिया, रूट, गलत, एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज सर्वर में तुम्हारा जो रूट अकाउंट, जो प्राइमरी अकाउंट होगा वो होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, रूट होता है आपका लिनक्स के अंदर। yes. मैं आ गया एडमिनिस्ट्रेटर पे, अब आ गई देखो पासवर्ड, मतलब कनेक्टिविटी तो है सर्वर से बट मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
पासवर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पे पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे देखो अभी रिफ्रेश करता हूँ, मैंने बोला मुझे पासवर्ड चाहिए, तो मैं पासवर्ड के लिए क्या करूंगा, सर्वर को चूज करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो मैं आरडीपी कनेक्शन से सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं आरडीपी पे जाऊंगा, ठीक है। आरडीपी पे गए, यहाँ पे गेट पासवर्ड का ऑप्शन है, गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। अच्छा इससे पहले देखो यहाँ पे ना दिखा देता है, कनेक्ट गया आरडीपी क्लाइंट, देखो ये डिफॉल्ट यूजर नेम दिखा रहा है आपका, क्या यूजर नेम है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर है। अब मैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, ब्राउज करूंगा। अब पासवर्ड मैंने बताया था आपको किस फाइल में है, की पेयर वाली में, तो की पेयर वाली फाइल यही थी, यस, की पेयर फाइल वाली यही थी, तो आप इसको चूज करोगे, ओपन करोगे, ठीक है, और यहां से आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते। अब मेरे पास देखो पासवर्ड आ गया, ठीक है, अब ये पासवर्ड आ गया, डिक्रिप्ट करने के बाद इसको कॉपी किया और इस पासवर्ड को मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आप चाहो तो इस पासवर्ड को कहीं नोटपैड में सेव करके रख लो, आप इसको यूज कर सकते, ठीक है, यूज कर सकते हो इसको। अब आपने ये डाला और इसको ओके कर, यस किया। अगर कोई सोच के देखो कि अगर यही काम मुझे फिजिकल सर्वर खरीदना होता और उसके बाद ये काम करना होता तो कितना मुश्किल होता, कितना टाइम लगता, 15 मिनट में तो रेडी नहीं होता। अगर आप देखो तो यहाँ पे 10-15 मिनट में मेरा सर्वर रेडी हो रहा है, और इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो मुझे, मैंने अभी चूज किया था T2.micro, अगर मैं उसमें मेरे पास मिला 1 CPU और 1 GB RAM, बट अगर मुझे वो जरूरत नहीं है ना, अगर मुझे वो जरूरत नहीं है तो भी, अगर मुझे वो जरूरत नहीं है और मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इस सर्वर पे बिना डेटा को टच किए इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये भी आपको दिखाऊंगा इसमें कि किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो विंडोज सर्वर आपका रेडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा विंडोज सर्वर रेडी हो गया। और इसमें मैं अगर जाता हूं तो दिस पीसी प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास कितनी डिस्क थी, 30 GB की एक डिस्क थी, वो आ गई है। इसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूं तो आप देखो इस पे 1 GB RAM है, ठीक है, आ गई है, 0.1 प्रोसेसर, ठीक है, तो जितना प्रोसेसर था और जितना मेरा रैम था वो आ गया, राइट। मेरे पास एक सर्वर रेडी हो गया यहाँ पे और मैं यहाँ पे कोई भी काम कर सकता हूँ। अगर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूँ, इसमें ना एक सेटिंग और कर लेते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, नहीं तो ना ये वार्निंग देता है क्योंकि सर्वर है, ठीक है। तो इस पे मैं जाता हूँ लोकल स्टार्ट पे जाना, सर्वर मैनेजर पे ऑप्शन मिलेगा एक, स्टार्ट पे जाके सर्वर मैनेजर मिलता है, ये रहा, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आई इनहांस सिक्योरिटी है, इसको जो है ऑफ कर लेना। ठीक है, अब आप कोई कुछ भी साइट ब्राउज करोगे ना तो इजीली ब्राउज हो जाएगी, नहीं तो वार्निंग देता रहता काफी ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखो इंटरनेट भी मेरा चल रहा है, ठीक है, तो मुझे एक सर्वर आईडी मिल गया जिसपे मैं इंटरनेट भी चला सकता हूँ आराम से, है ना। तो AWS आपको बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस दे देता है। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास आ गया। और क्या है, समझ में आया विंडोज सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कुछ डाउट किसी को?
ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है ये शेयर्ड है वो? हाँ ये शेयर्ड है, हमने जब चूज किया था ना, जब हमने हाँ सर्वर किया था तो मैंने वहां पे शेयर टेनेंसी चूज किया था, तो ये शेयर्ड है। शेयर्ड मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सर आपका सर्वर किसी और क्लाइंट के साथ शेयर्ड है, ऐसा नहीं है। जो इसका सीपीयू और मेमोरी है वो बस किसी के साथ शेयर हो सकता है, ठीक है। मतलब सपोज करो अब इसमें तो एक ही सीपीयू है, तो एक सीपीयू तो किसी के साथ शेयर नहीं होगा, है ना। बट ओके अगर आपके पास सीपीयू ज्यादा होते और वो अनयूज होते तो वो कैपेसिटी पॉसिबल है कि वो किसी और दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर होता, तो डेटा शेयर नहीं होता, डेटा जो है आपका वो बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। सर्वर किसी का कोई कनेक्ट नहीं कर सकता आपका सर्वर, क्योंकि पासवर्ड तो आप ही के पास है ना। हाँ तो शेयर से ये कंफ्यूज मत होना कि सर्वर की इंफॉर्मेशन शेयर हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बट बस ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है कंपेयर टू जैसे डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड एक तरह से फिजिकल सर्वर हो, है ना, ये ओके थोड़ा तो सा। वी कैन हैव मोर सीपीयूज हियर राइट एंड हाँ दे कैन नॉट बी शेयर्ड हाँ अगर डेडिकेटेड होता तो, ओके डेडिकेटेड होता तो आपको ये फायदा रहता। देखो स्पीड जो आपको मिल रही है वो भी 25 Mbps की स्पीड मिल रही है और 466 की आपको अपलोड स्पीड मिल जाती है। तो एक अच्छा अभी ओके सर्वर आपका रेडी हो गया T2.micro, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपका सर्वर कहीं भी आप रेडी करते हो, कहीं भी आप यूज करते हो, सेम वे में आपका सर्वर यहाँ पे रेडी हो। ठीक है ना। और मुझे इसको अगर डिस्कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट में जाऊंगा, पावर में, शटडाउन का भी ऑप्शन है, डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन है ना। तो मैंने डिस्कनेक्ट किया इसको क्योंकि मुझे अभी डिस्कनेक्ट करना है, कैंसिल किया। अब मान लो आपको ये सर्वर को शट डाउन करना है तो आप क्या करोगे, सर्वर चूज करोगे, इंस्टांस स्टेट है यहाँ पे, यहाँ पे जाके आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो बिना सर्वर पे लॉग इन करे, ठीक है। फिर सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो, डिस्ट्रॉय करना है तो टर्मिनेट भी कर सकते। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ जस्ट टू इंश्योर कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, ऑलरेडी मेरा एक सर्वर रनिंग है। ये देखो यहाँ पे जब मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या एरर मैसेज आया, डिसेबल एपीआई टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, है ना। तो ये क्या है, ये अभी आपका सर्वर जो है डिलीट नहीं कर सकता, मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या इनेबल किया था, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिसेबल करना पड़ेगा, मेरा तो एक्शन में इंस्टॉल सेटिंग चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, और मैंने ये एनेबल किया था, इसको मैं डिसेबल कर दूं, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, अब अगर मैं टर्मिनेट करूंगा तो मैं टर्मिनेट कर पा रहा हूँ, सक्सेसफुली टर्मिनेट। ठीक है, आई थिंक 5 मिनट्स ओवर कर चुके हम, और आज हमको समझ में आया कि हम एक विंडोज सर्वर कैसे रेडी कर सकते हैं इसके अंदर और कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आज कुछ कुछ थोड़ा आपको अलग ऑप्शंस देखे होंगे तो वो ऑप्शंस को आप ट्राई करो और आज एक विंडोज सर्वर बना के देखो, तो ठीक आउट है। ऑफ 4 सर आपने एक तरीके से लॉग इन किया है ना? आउट ऑफ फोर, हाँ मतलब आउट ऑफ फोर आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप बात करो, मेरे ख्याल से यहाँ से बात कर रहे हो आप, है ना। सर वही ओके नहीं देखो सर्वर को कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, RDP, ठीक है। कनेक्ट करने की, जब मैं यहां से आपसे बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था कि AWS को कैसे कनेक्ट कर सकते। आज जो हमने सर्वर बनाया वो हमने कैसे बनाया, कंसोल के थ्रू बनाया, हाँ ओके कंसोल के थ्रू बनाया। अब आप चाहो तो ये विंडोज सर्वर को कमांड लाइन के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। बट कमांड लाइन को मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, रीजन बीइंग कि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमें अभी पहले हमें ये सब चीजें समझनी है कैसे होगा, फिर आप कमांड लाइन का एक टूल है तो जब हम कमांड लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखना कमांड लाइन की PDF में उसमें स्टेप दिया होगा कि कैसे आप विंडोज सर्वर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें सिंपली आपने AWS EC2 और जो आपने सर्वर यूज करना है उसका की पेयर क्या है। अभी आपको ये समझ में आया ना कि हमें की पेयर चाहिए कनेक्ट करने के लिए, हाँ
क्या रीजन होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। तो आपने वहां पे क्या स्पेसिफाई करोगे कि डैश डैश रीजन इज इक्वल टू दिस, डैश डैश की पेयर इज इक्वल टू दिस। जब आपने ये बना दिया तो आप उसके थ्रू सर्वर को लॉन्च कर दोगे। तो वो पैरामीटर चाहिए उनको बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो आज कोशिश करो कि एक अपना विंडोज सर्वर रेडी कर लो, ठीक है, उसको कनेक्ट करके देखो। उसको जब बनाओगे तो उसके अंदर आप की पेयर यूज करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप यूज करोगे, है ना। तो ये सारे जब आप ऑप्शंस करोगे तो हो सकता है आपके पास कुछ चैलेंज है, और अगर आपने जब बना लिया तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छा रहेगा, आपको काफी अच्छी प्रैक्टिसेस किया जाएगी, ठीक है। तो ये सर्वर तो हमें काफी बनाना है, तो ये एक सर्वर बनाओ, कल देखेंगे और कुछ जो और ऑप्शन है इसके वो भी देखेंगे, और कल लिनक्स सर्वर भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, कल कनेक्ट करें। ओके बाय बाय। ओके ओके।